नमस्कार दोस्तों, विन आईएएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है इंटीग्रिटी या सत्य निष्ठा। यह एमपीपीएससी मेंस के पेपर 4 एथिक्स का एक टॉपिक है जिसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सत्य निष्ठा की परिभाषा। सत्य निष्ठा का तात्पर्य यह है कि नैतिककर्ता अपनी अंतर मान्यताओं के अनुसार कार्य करता है, अर्थात मन से जिन चीजों में विश्वास करता है उसी के अनुसार वह व्यवहार भी करता है। उसका कार्य पाखंड या धोखे से मुक्त होता है और साथ ही उसके द्वारा निर्धारित मूल्यों के अनुरूप होता है, अर्थात वह दिखावेबाजी में विश्वास नहीं करता। वह जहाँ मन से जो मानता है वही व्यवहार में भी वह करता है। सत्य निष्ठा संपन्न व्यक्ति का आचरण लगभग हर स्थिति में उसके नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए, अर्थात परिस्थितियों का प्रभाव सत्य निष्ठा पर नहीं पड़ता। परिस्थितियां अनुकूल हो या प्रतिकूल, सत्यनिष्ठ व्यक्ति हर हाल में अपना आचरण अपने सत्यनिष्ठ सिद्धांत के अनुरूप ही करेगा। नैतिक सिद्धांत वस्तुनिष्ठ आधार पर नैतिक होने चाहिए, अर्थात वह सभी परिस्थितियों में एक जैसे होंगे। सत्य निष्ठा के अंतर्गत नैतिक सिद्धांतों का सोपानुक्रम भी सुनिश्चित होना चाहिए, अर्थात देयर शुड बी अ हायरार्की, ताकि दो सिद्धांतों में टकराव हो तो वही सिद्धांत का चुनाव करना आसान हो सके। जैसे मान लीजिए कि दो सत्यनिष्ठा के प्रकार एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक आप अधिकारी हैं किसी सरकारी विभाग में और आप किसी समय पर लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उसका समाधान करते हैं। वहां पे एक लाइन लगी हुई है, नियम ये है कि सभी को क्रमानुसार ही आकना है आपके पास, लेकिन यदि उस समय कोई ऐसा व्यक्ति है जो खड़े होने में सक्षम नहीं है, अत्यधिक बुजुर्ग है या फिर विकलांग है, तो उसके लिए अलग से व्यवस्था की जा सकती है, उसे लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप नियमों में ढील दे सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रिक्ट होने की जरूरत नहीं होती। सत्य निष्ठा के प्रकार। सत्य निष्ठा दो प्रकार की हो सकती है। पहली बौद्धिक सत्य निष्ठा। बौद्धिक सत्य निष्ठा व्यक्ति के बुद्धि से संबंधित है। हर व्यक्ति की अपनी बुद्धि होती है, उसके अनुसार वह मान्यताओं में बिलीव करता है, विश्वास करता है। यह व्यक्तिगत है, इसका संबंध व्यक्तिगत विचारों एवं कार्यों से होता है। जबकि दूसरी सत्यनिष्ठा का प्रकार है व्यावसायिक सत्यनिष्ठा। यह किसी व्यवसाय या रोजगार से संबंधित होती है। उन नैतिक सिद्धांतों का पालन किया जाता है जो इस व्यवसाय की आचार संहिता में शामिल होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक जज यह भली भांति जानता है कि आरोपी जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है उसने अपराध किया है, लेकिन यदि उसके खिलाफ सबूत नहीं है तो वह जानते हुए भी उसकी व्यावसायिक सत्यनिष्ठा यह कहती है कि बिना सबूतों के वह किसी को सजा नहीं दे सकता। हालांकि बौद्धिक सत्यनिष्ठा के अनुसार वह जानता है, उसकी बुद्धि ये कहती है कि यह आरोपी दोषी है, लेकिन अगर सबूत नहीं है तो व्यावसायिक सत्यनिष्ठा के अनुसार वह उसे सजा नहीं दे सकता। तो व्यावसायिक सत्यनिष्ठा से मतलब है उन सिद्धांतों से जो व्यवसाय की आचार संहिता में शामिल होती है, जो व्यवसाय में शामिल सभी लोगों को जिनका पालन करना अनिवार्य होना चाहिए। प्रशासन में सत्यनिष्ठा का क्या महत्व है? यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। तो अगर सत्यनिष्ठा का पालन किया जाता है प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा, तो इससे जनता की विश्वसनीयता में वृद्धि होती है, जनता का भरोसा प्रशासन पर बढ़ता है। वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति समय पर होगी एवं उसकी गुणवत्ता बनी रहेगी। सार्वजनिक संसाधन का बेहतर रूप से उपयोग सुनिश्चित होगा। प्रशासन में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद जैसे अवरोधों को कम किया जा सकेगा। सतत व सर्वसमावेशी विकास का सपना साकार होगा। नागरिक केंद्रित प्रशासन की संकल्पना सही रूप से लागू हो सकेगी। ये 6 महत्व सत्यनिष्ठा के हैं जो प्रशासन में हमें बताते हैं कि प्रशासन में सत्यनिष्ठा कितनी महत्वपूर्ण है। और आखिरी पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, वास्तविक लाभार्थी को ही उसका वास्तविक हक मिल सकेगा, क्योंकि यहाँ भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार में अत्यंत कमी की जा सकेगी। प्रशासन में सत्यनिष्ठा बढ़ाने के क्या उपाय किए जा सकते हैं?
तो पहला उपाय हो सकता है लोक सेवकों की चयन परीक्षा में उम्मीदवार के मनोवैज्ञानिक परीक्षण का विशेष बल दिया जाना चाहिए। मनोवैज्ञानिक परीक्षण से लोगों की या अधिकारियों या लोक सेवकों के मनोवृत्ति का पता चलता है, जिससे कि उनके रुझान के बारे में समझा जा सकता है कि वो प्रशासन के अधिकारी बनने के योग्य हैं या नहीं। नैतिक संहिता तथा आचरण संहिता की स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए। सभी लोक सेवकों को नैतिक संहिता और आचरण संहिता के बारे में बहुत स्पष्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नैतिक संहिता से सिंपल सा तात्पर्य ये है कि किस तरह के नियमों को उनको आचरण में लाना चाहिए अपने, उनकी एक नैतिक क्या क्या मान्यताएं जो हैं जिनको उनको पालन करना चाहिए। आचरण संहिता प्रत्येक लोक सेवक की और विभाग की अपनी स्पष्ट होनी चाहिए कि उन्हें इन नियमों का पालन करना चाहिए, जिन्हें हम डूज एंड डोंट्स के रूप में भी देख सकते हैं। कुछ ऐसी केस स्टडीज या मामलों को बताया जाना चाहिए जिससे कि लोक सेवकों द्वारा सत्यनिष्ठा का पालन नहीं करने पर उनकी सदस्यता समाप्त हो गई या दंड मिला हो। इससे लोक सेवकों में दोनों तरह की बातें, एक तो अच्छे लोक सेवकों को मोटिवेशन मिलेगा कि वो सत्यनिष्ठा के प्रति दृढ़ रहे, और जो सत्यनिष्ठ नहीं है उनके अंदर एक डर प्राप्त होगा कि उन्हें सत्यनिष्ठ होना पड़ेगा। वंचित वर्गों के प्रति सहानुभूति विकसित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जैसे कि फील्ड जॉब। लोक सेवकों को ग्रामीण क्षेत्रों में या उन्हें फील्ड में लोगों के पास जाकर के कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, वो उनके ट्रेनिंग का भाग होना चाहिए। कार्य संस्कृति के स्तर पर नैतिक संहिता ऐसी है कि उसके अनुसार आचरण संभव हो। नैतिक संहिता ऐसी बनाई जानी चाहिए, नैतिक मान्यताएं ऐसी होनी चाहिए प्रशासन में जिनका पालन करना संभव हो सके, जिनको आचरण में लाया जा सके। कानून व्यवस्था में भी इसके अनुरूप प्रावधान होने चाहिए ताकि यदि उसका उल्लंघन हो तो उन्हें सजा दी जा सके। संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की सूची भ्रष्टाचार निवारण संस्थाओं को दी जानी चाहिए, जिससे उन पर नजर रखी जा सके। सत्यनिष्ठा समझौते का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। अब एग्जाम में संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं? 3 मार्कर के क्वेश्चंस कुछ इस तरह से हो सकते हैं कि सत्यनिष्ठा की परिभाषा बताएं, सत्यनिष्ठा से क्या तात्पर्य, सत्यनिष्ठा का क्या अर्थ है, तो आप इसको लिख सकते हैं। नैतिकता से क्या तात्पर्य है, व्यावसायिक नैतिकता किसे कहते हैं। 6 मार्कर में सत्यनिष्ठा के प्रशासन में उपयोगिता का वर्णन करिए। इस स्लाइड्स को सुन के और पढ़ने के बाद आप इन प्रश्नों को लिखने का अभ्यास करें, जिससे कि आपकी लेखन शैली बेहतर होगी। धन्यवाद।